लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का असर आज नवीमुंबई में भी देखने को मिला। यहां सुप्रीम काउंसिल ऑफ नवीमुंबई गुरुद्वारा के नेतृत्व में सिख समुदाय ने वाशी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर आंदोलन किया और मोदी सरकार से किसान कानूनों को रद्द करने की मांग की। ऑल नवीमुंबई गुरुद्वारा कमेटी और साध संगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि मोदी सरकार का कृषि कानून कारपोरेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने और किसानों को बर्बाद करने वाला है, इसलिए 10 महीनों से किसान संगठन आंदोलन पर बैठे हैं। अब तक 700 किसानों की मौत हो चुकी है, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि किसान प्रतिनिधियों से चर्चा कर कानून में सुधार लाए। उन्होंने कहा कि यदि किसान बर्बाद हो गए तो देश को अनाज कहां से मिलेगा। आइए सुनाते हैं सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने और क्या कुछ कहा। 10 महीने से किसान सड़कों पे बैठे हैं, जो कि उनको 3 महीने तो पहले पंजाब में बैठे, उसके बाद में 10 महीने एक दिन हो गया आज, तो इतने टाइम से वो बैठे हैं, तो अभी तक सरकार बिल्कुल भी इसके बारे में सोच नहीं रही है। तो 700 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो चुके हैं, तो उसके बारे में भी वो आज तक कभी सरकार ने कोई तकादा नहीं किया, कोई उसके बारे में जिक्र नहीं किया। और 3 कानून जो काले रहे, ये 3 कानून रद्द करने की हमारी मांग है, और MSP बिल के बारे में हमारी मांग है कि ये हमारी पूरी होनी चाहिए। मुंबई सिटी में आज हमें जो आटा मिल रहा है वो हमें 40-45 रुपये मिल रहा है, तो वही आटा हमें कम से कम 150-200 रुपये मिलेगा। तो आप सोचिए कि भाई ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत के लिए, हाँ सबके लिए। हमें 3 घंटे इधर खड़े हैं, हम थक गए 3 घंटे खड़े इधर। हम वो सोच रहे थे कि सोचो 10 महीने से किसान बैठे रोडों के ऊपर, जो कि घर में जो बुजुर्ग लोग 100-100 साल की उम्र के उधर बैठे हैं, उनको जो घर में बैठना था वो रोड पे बैठे ना, क्योंकि हमारे लिए, हम सब के लिए बैठे हैं। तो सबको सोचना चाहिए कि ये जो 3 कानून बनाए हैं ये रद्द हो। तो ये जो है ये खाली दुनिया को एक अंधेरा दिखाने की जो कोशिश की जा रही है, ये जो लॉ है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉरपोरेट एंटिटी को लाने की बातें हो रही हैं। एक आंखें बंद करके जो ये लॉ को पास किया गया है, जिसमें किसान ही सफ़र करने वाला है। हमारे लोगों की ये मांग है कि जो गेहूं और आटा आज कोई लोग 30-35 रुपए किलो खरीद के खा रहे हैं, अगर ये कानून बंद रद्द नहीं होते हैं तो यही आटा और कानून आप लोगों को भी सबको 100-150 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा, कॉरपोरेट के हाथ में चले जाएगा। इसलिए यह आंदोलन हमारा ही नहीं है, यह आंदोलन जन जन का है और गरीब लोगों का है। और सिख कौम हमेशा पिछले इतिहास से, जब से देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी से लेके, जब भी देश में कोई ऐसा मोर्चा खड़ा करना पड़ता है, सिख कौम आगे होकर लड़ती है। ये प्रभु द्वारा बनाई हुई एक आर्मी है, ये एज ए आर्मी आगे होकर लड़ते हैं। आज भी यहाँ सारे सिख इकट्ठे हुए हैं, हमारी ये सुप्रीम काउंसिल लेकर न्यू बॉम्बे के सारे गुरुद्वारों के, उनकी अगुवाई में हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शांतमय प्रोटेस्ट है। एग्रीकल्चर या फार्मिंग ये स्टेट का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर सेंट्रल कानून बना ही नहीं सकता है, और फिर भी बैकडोर से ला करके कानून कहीं और बनते हैं और उन कानूनों को पार्लियामेंट में ला करके बगैर किसी बातचीत के, बगैर किसी बहस के ये कानून पास किए जाते हैं। और ये सिर्फ किसानों के कानून की ही नहीं, मजदूरों के खिलाफ़ भी कानून बने हैं, इसमें लोगों के रोज़गार के खिलाफ भी कानून बने हैं,
इन सब का प्रोटेस्ट हम लोग के इधर से है। और ये किसान किसान जो कह रहे हैं, असल में ये आम लोगों का मुद्दा है। किसान के पास ज़मीन है, वो अपने खेती में खाना उगा के अपने खाने लायक फसल बचा लेगा। महंगाई पूरी दुनिया को होनी है, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आज हमारा किसान भाई 10 महीने से अपना कारोबार, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के बारिश में, गर्मी में, सर्दी में वहाँ रोड पे पड़ा है और कोई सुनवाई नहीं है, जबकि ये देश किसानों का देश है। मुझे बड़ा अफसोस होता है। हम कहने को तमाम नेता ये कहते हैं जय जवान के जय किसान, मेरे भाई जबान से मत बोलो, दिल से ये बात बोलो और इसको इस बात को तस्लीम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।